देखिए, आज एक बार फिर हमने मीटिंग बुलाई थी उस सिलसिले में जो कि एक माह पहले हमारे साथ एक घटना हुई थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। वहाँ पे हमारे एक साथी को मिसबिहेव किया गया था मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तरफ से, और उस वक़्त हमने एक मीटिंग बुलाई थी। उस वक़्त हमने मीटिंग में डिसाइड किया था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन का बाइकाट करते हैं तब तक जब तक ना इस आदमी के खिलाफ, जो आदमी मिसबिहेव करने में मुलविस था, इसके खिलाफ जब तक ना एक्शन लिया जाए। हम एक महीने तक रुके, एडमिनिस्ट्रेशन ने इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद थोड़ा सा पता चला कि मसला क्या हुआ है, लेकिन अभी तक डिसीजन जो है उसकी पेंडिंग है। लेकिन इस एक माह के दौरान हमको इंडिविजुअली बहुत से ऑफिसर मिले, मुझसे मिले, मेरे साथियों से मिले, और उन्होंने एक चीज़ की शिकायत बहुत ज़बरदस्त और बहुत शिद्दत से की, वो ये कि अगर एक आदमी गलती करता है तो उसका खमियाजा सब लोगों को क्यों भुगतना पड़ रहा है। अगर मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने गलती की तो सपोर्ट्स डिपार्टमेंट को उसके साथ क्या है, दूसरे एजुकेशन डिपार्टमेंट को उसके साथ क्या है, उनको इसकी सज़ा क्यों मिल रही है। ये बातें ऑफिसर्स ने हमारे साथ ऑफ द रिकॉर्ड की, और हमने भी शिद्दत से ये महसूस किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक आदमी गलती करता है तो उसकी जो है सज़ा सबको भुगतनी पड़े। और हम जिम्मेदार शहरी हैं, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं। हमारा ये हरगिज नहीं होना चाहिए कि हम ऐसी कोई हरकत करें जिससे एडमिनिस्ट्रेशन की फंक्शनिंग में या एडमिनिस्ट्रेशन के कामकाज में कोई फ़र्क पड़े। और हम अपनी रिस्पांसिबिलिटी को देखते हुए हमेशा कोशिश करेंगे कि हमसे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में फ़ायदा पहुंचे, हमसे एडमिनिस्ट्रेशन की फंक्शनिंग में जो है और आसानी हो, न कि मुश्किलात हों। इसलिए हमने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ये महसूस किया कि एक आदमी की गलती सब एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं देनी चाहिए, और उससे ये लास्ट पे नतीजा निकला। हमारे सब भाई आज बैठे हुए थे जिन्होंने ये फैसला किया कि हम उस आदमी को, उस आदमी के खिलाफ जो है बाइकाट को जारी रखेंगे, उस आदमी को जो है उसका डिपार्टमेंट जो है उसका काम जो इंस्टीट्यूशन है उसके खिलाफ बाइकाट जारी रखेंगे, लेकिन बाकी लोगों को सज़ा न देते हुए, बाकी लोगों के साथ नाराज़गी न रखते हुए, हम पूरे एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे डिपार्टमेंट से अपनी बाइकाट की कॉल वापस लेते हैं। हम उन ऑफिसर्स की कदर करते हैं जिन्होंने हमें बार बार ये कहा कि आप लोग एक आदमी की सज़ा पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहे हो। हम उनकी कदर करते हैं और उनकी उन्होंने जो हमको बताया उसकी हम पूरी पूरी जो है कदर करते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि हम मेडिकल सुपरिटेंडेंट और जो आरएनबी का जो एक मसला था उस मसले को साइड पे रख के बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन से कॉल ऑफ करते हैं अपने स्ट्राइक को, अपने बाइकाट को। रही बात अब मेडिकल सुपरिटेंडेंट की, तो उसमें हम ये करेंगे, हम चाहे हमको गवर्नर तक जाना पड़े हम वहाँ तक जाएंगे, चाहे हम तो सेंटर में जाना पड़े हम वहाँ तक जाएंगे, हम उसके खिलाफ कार्रवाई चाहेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम डीसी डोडा को भी अपील करते हैं कि वो भी अपना असर रसूख लगाकर इस मसले को देखें और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को उसका जो है उसने जो गलती की है उसकी उसको उसके खिलाफ उसका एक्शन लिया जाए। और हम नहीं चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो फंक्शनिंग है वो जो आजकल हो रहा है उसको हम छोड़ें, ऐसी बात नहीं है। हम स्टोरियां करते रहेंगे, चाहे वहाँ मशीन का मसला हो, चाहे वहाँ गंदगी का मसला हो, चाहे वहाँ किसी किस्म का माल फंक्शनिंग का मसला हो, हम वो हाईलाइट करते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उनके जो पॉजिटिव काम होते हैं, जो वो कभी कैंप करते हैं, कभी कोई वैक्सीन का उनका फंक्शन होता है, वो हम नहीं करेंगे, उसको हम कवर नहीं करेंगे, ये हमने डिसाइड किया है। और जिस आदमी जो शैलेंद्र कुमार है हमारे एक साथी, उनके साथ जो हुआ था मिसबिहेव हुआ था, एक कंट्रैक्टर ने किया था, उन्होंने पुलिस में अप्रोच किया था, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। हम पुलिस से भी अपील करते हैं और पुलिस के पास फिर दोबारा जाएंगे कि वो उस सिलसिले में जो है उस घटना पे जो है वो अपना एफआईआर लगा दें। कुल मिलाकर यही लास्ट पे कहूँगा कि हम जिम्मेदार शहरी हैं और जिम्मेदार शहरी का ये एक ड्यूटी बनती है, वो ये है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे, उसकी मदद करे
और कहीं हिंड्रेंस बनने की कोशिश न करें कि जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन मीडिया की वजह से कोई एडमिनिस्ट्रेशन के काम काज में रुकावट पड़े, हम नहीं चाहते हैं। बाकी जो भी काम होंगे, जो नेगेटिव स्टोरीज होंगी वो हमने करनी है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं कोताही है वो हमने हाईलाइट करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए उसको हमने हाईलाइट करना है, लेकिन साथ साथ हम बाकी डिपार्टमेंट्स के पॉजिटिव काम जो हैं उनको दिखाएंगे, सिवाय मेडिकल स्टूडेंट और उसके हॉस्पिटल के।